नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, आपने नई कार ले ली है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी कार के अंदर फीचर्स भी हैं, आपकी कार के अंदर सेंटर लॉकिंग भी है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या आपकी कार फिर भी सेफ़ है अगर आपकी कार के अंदर सेंटर लॉकिंग है? मैं कहूँगा आपकी कार बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। चौंक गए ना इस बात को सुनकर। लेकिन आपकी कार सेफ़ नहीं है, आपकी कार फिर भी चोरी हो सकती है, आपकी कार को चोर चोरी कर लेंगे। जी हाँ, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी कि आपकी कार का सेंटर लॉक होने के बावजूद कार चोरी कैसे हो जाती है, कैसे चोर आपकी कार के सेंटर लॉक को ओपन कर लेते हैं, कैसे आपकी कार को खोल के उसके अंदर से सामान निकाल लेते हैं या फिर आपकी पूरी कार को ले जाते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कारण भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा कैसे आप उस कार को चोरी होने से बचा सकते हैं अपनी सेंटर लॉकिंग को यूज़ करके। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपकी कार के अंदर सेंटर लॉकिंग होता है क्योंकि अगर आपने नई कार ली है या फिर आपने बाहर से सेंटर लॉकिंग लगवाई है तो वो सेंटर लॉकिंग आपकी कार को सेफ रखता है। आप ये चीज़ सोचते हैं, आजकल की हर एक नई कार के अंदर सेंटर लॉकिंग आता है कंपनी की तरफ से। अगर आपकी कार के अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट बाहर से वो करवा सकते हैं सेंटर लॉक। लेकिन आप जब उसको यूज़ करते हैं तो आप चोरों को खुद इनविटेशन देते हैं कि आओ और मेरी कार को लेके जाओ या फिर उसके अंदर से सामान निकलवा लो। हाँ जी, आपको ये चीज़ थोड़ी अजीब लगेगी कि लेकिन सेंटर लॉकिंग कैसे काम करता है, शायद आपको पता भी होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर लॉकिंग का जब भी हम अपना कोई बटन दबाते हैं लॉक या अनलॉक करने के लिए तो क्या होता है इस रिमोट के अंदर से, तो इसके अंदर से निकलती हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमारी कार के अंदर लगे हुए डिवाइस के जाके लगती हैं तो वो हमारी कार को लॉक या अनलॉक कर देता है। जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रिमोट से निकलती हैं उसका एक एरिया होता है, लिमिटेड एरिया होता है। कई रिमोट की जो रेंज होती है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वो थोड़ी ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है। लेकिन हम जहाँ से भी इसको यूज़ करेंगे उसके एरिया सीधा नहीं जाएगा, वो ऐसे राउंड में होगा, राउंड में होगा गोल। तो उतने ही एरिया में आ, चाहे आपकी कार इस साइड खड़ी है या इस साइड खड़ी है, तो आपकी कार को ये लॉक या अनलॉक करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी। जब आप अपनी कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए बटन दबाते हो तो इसके अंदर से निकली हुई रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है तो आपकी कार को लॉक अनलॉक तो करेगी ही, लेकिन जो इसको आपकी कार के रेडियो फ्रिक्वेंसी को रीड करने के लिए चोरों के पास एक डिवाइस होता है, जी हाँ, वो डिवाइस आपकी इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेता है और इसको रीड कर लेता है, इसके अंदर सिक्योरिटी को जो भी लगा हुआ है उसको रीड कर लेता है और आपकी कार को लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए जो सिक्योरिटी यूज़ होती है वो अपने डिवाइस के साथ वो मैच कर लेता है और वो खुद आपकी कार को लॉक या अनलॉक कर सकता है अपने डिवाइस के साथ। जितनी चाहे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली चीज़ें आ जाएं, आज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ ना कुछ आ जाएं, कुछ भी आगे आने वाले टाइम में, तो उसका एक जो तोड़ होता है, जैसे कि उसको लॉक या अनलॉक करने के लिए या फिर उसका डुप्लीकेट मार्केट में पहले आ जाता है, चोरों ने इसका भी तरीका निकाल लिया है। जब भी आप लॉक करने के लिए अपनी कार को बटन दबाओगे तो इसके अंदर से रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलेगी, चोर उसको रीड करेगा और फिर जब आप अपनी कार को खड़े करके अंदर बाजार में या फिर कहीं अपने घर पे, अगर आपकी कार बाहर खड़ी है या फिर कहीं पार्किंग में आपने कार खड़ी की है, तो आपके जाने के बाद चोर उस रीड की हुई डिवाइस से आपकी कार को अनलॉक करेगा और उसके अंदर से सामान निकाल लेगा। तो आपको क्या होगा कि आप सोचते हैं आपकी कार सेफ होगी, लेकिन नहीं, आपकी कार चोरी हो जाएगी। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप भीड़ वाली जगह पे या फिर पार्किंग वाली जगह पे अपने इस रिमोट के साथ अपनी कार को लॉक नहीं कीजिएगा। जी हाँ, मैं आगे इस वीडियो में आपको एक तरीका भी बताऊँगा कि अपनी कार को आप कैसे सेव कर सकते हैं। आप कई बार अब मेरी वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज़ सोचते होंगे कि हम रिमोट को यूज़ करेंगे कार को बिकार के बिल्कुल पास जाके,
जी नहीं, आप इस टाइम भी गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे रिमोट को अपनी कार के पास जाके यूज़ कीजिए या फिर कार से थोड़ी दूर जाके 100 या 200 मीटर दूर जाके यूज़ कीजिए, आपकी कार का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है फिर भी सेफ नहीं है। वो उतनी ही दूर जाएगी, उसकी रेंज जो रेडियो फ्रिक्वेंसी उतनी ही दूर जानी है। आपका चोर या आपके कार के पास बैठा होगा या फिर आपकी कार से दूर होगा आपकी कार से चोर, तो वो फिर भी इसको रीड कर लेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है बचने का। अगर आपकी कार के अंदर लगा हुआ है कीलेस एंट्री वाला बटन जो हैंडल के पास होता है, आप अपने रिमोट को ना यूज़ करके उस हैंडल पे लगे हुए बटन को यूज़ कीजिए लॉक या अनलॉक करने के लिए। अगर आपकी कार के अंदर वो बटन नहीं है, आपके पास सिंपल रिमोट है जिससे आप अपनी कार को अनलॉक करते हैं या लॉक करते हैं भीड़ वाली जगह पे, या फिर आप सोचते हैं कि अपनी कार को 2 या 3 घंटे के लिए कहीं खड़ी करके जाना है, तो आप उस जगह पे अपनी कार को मैन्युअली लॉक कीजिएगा। मैन्युअली मतलब आप अपनी की के साथ अपनी कार को लॉक कीजिएगा या फिर उसके अंदर जो बटन लगा होता है उसको लॉक कीजिएगा। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कैसे करना है। ये की है, की के साथ आपने अपनी कार को लॉक करना है। तो आपकी कार अगर की के साथ लॉक होगी तो उसके अंदर से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं लिखेगी और आपकी कार सेफ हो जाएगी। अगर आप उस बटन के साथ जो हैंडल पे लगा हुआ है तब भी अगर आप अपनी कार को लॉक या अनलॉक करोगे तब भी आपकी कार सेफ रहेगी, क्योंकि आपने रिमोट का यूज नहीं किया और आपकी कार सेफ हो जाएगी। आपकी कार के अंदर से, रिमोट के अंदर से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं निकलेगी। तो ये 2-3 तरीके हैं अगर आप अपनी कार को बचाना चाहते हैं चोरों से जो आपकी कार को चोरी न कर सके। अगर आप अपनी कार को 2 या 3 दिन के लिए कहीं पार्क करके जा रहे हैं तो आप, मैं कहूंगा मैन्युअली उसका अपनी कार को लॉक कीजिएगा तो आपकी कार सेफ रहेगी। और अपनी कार के अंदर नेविगेशन सिस्टम जरूर लगवाएं जिससे आप पता लगा सकें कि आपकी कार कहाँ पे है। अगर आपकी कार चोरी हो गई है तब भी आपकी कार सेफ रहेगी। या अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी कार सेफ रहे तो इन तरीकों को ज़रूर अपनाइएगा और भीड़ वाली जगह पे अपने रिमोट को यूज़ न कीजिएगा। अगर आप किसी अनजान जगह पे हैं तो अपने कार के रिमोट को यूज़ न कीजिएगा। चोरों ने बहुत तरीके, बड़ी बड़ी कारें, जितनी भी लग्जरी कारें हैं उनके अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो भी चोरी हो रही हैं। बड़ी बड़ी कारें जो मार्केट के अंदर, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, जो चोरों का गिरोह होता है जो कार चोरी करते हैं उनका गिरोह अब बड़ी कारों को ज़्यादा टारगेट करता है उनके, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो अपनी कार को सेफ करने के लिए अपनी कार को मैन्युअली लॉक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इसमें कोई कमी लगती हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद।